हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो बहुत दिन हो गए थे वीडियो नहीं बनाई थी, तो लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा भाई, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस सेक्शन के बारे में बताओ या ये लीगल एडवाइस चाहिए, तो मैं उसके एक वीडियो ही बना दूँगा अलग से। और भाई मेरे पास डेली फ़ोन आते हैं कहीं ना कहीं से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई यूपी से, कई हरियाणा से, पंजाब से, कहीं कहीं से। तो एक टाइम फिक्स कर लो भाई, 10 बजे के बाद फ़ोन किया करो सुबह और शाम को 5 बजे से पहले। उसके बाद ट्राई करो कि यार फ़ोन ना करो, समझ रहे हो। लेकिन सुबह सुबह यार 6-6 बजे भी फ़ोन आते हैं और शाम को 10-10 बजे तक फ़ोन आते हैं। तो कोशिश करो कि भाई सुबह के 10 बजने के बाद और शाम के 5 बजे से पहले ही आप मुझे कॉल करो, ठीक है ना। और कोई भी अगर वीडियो चाहिए आपको किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 120B 120 क्या होती है। देखो 120B जो होती है ना, वो प्लानिंग की होती है और ये कई सेक्शनों के साथ लगाई जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आईपीसी सेक्शन 302 के साथ भी आपको दिखी होगी 120B, 307 के साथ भी दिखी होगी 120B, और भी बहुत सारे सेक्शन है जिनके साथ 120B लगाई जाती है। 120B का मतलब ही यही होता है कि प्लानिंग, समझ रहे हो, कि प्लान करके। मान लीजिए कि मैंने यहाँ बैठे बैठे कोई प्लान किया कि हाँ भाई उसको ऐसे करेंगे, उसको ऐसे पीटना, उसको उसके साथ ऐसा करना है। तो मैंने 5-7 बंदे इकट्ठे हुए हम और हमने प्लानिंग मैंने की, समझ रहे हो। लेकिन जो क्राइम है वो उन बंदों ने किया, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम उन बंदों ने किया तो हम बचे रहेंगे, ठीक है ना। प्लान तो मैंने किया है, तो अगर वे बंदे मेरा नाम लेंगे तो 120B में मेरा नाम आ सकता है, समझ रहे हो। 120B मतलब प्लानिंग तो मैंने की है ना, क्राइम भी सब उन बंदों ने किया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं जहाँ पर क्राइम हुआ अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो मैं बच गया। अगर मैंने किसी से भी मतलब उनसे साथ फ़ोन पे बात की है या कुछ भी प्लान किया है उस क्रिमिनल केस में, तो 120B के तहत मेरे खिलाफ भी पर्चा दर्ज हो सकता है, समझ रहे हो। ये नहीं है कि भाई आप बचकर निकल जाओगे, हम तो आप तो वहां पर थे ही नहीं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप बच के निकल सकते हो, लेकिन आपने प्लान किया तो और आप सोच रहे हो कि क्राइम किसी और से करवा कर आप बचे रहोगे, तो ऐसा नहीं है। 120B का मतलब यही है कि प्लानिंग जो योजना बनाता है उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हो सकता है 120B, समझो, जो किसी भी सेक्शन के साथ लगाया जा सकता है। और 120B में भाई 10 साल तक की सजा है और ये गैर जमानती मतलब नॉन अवेलेबल है, समझ रहे हो। ज़्यादातर ये आईपीसी सेक्शन 302 और 307 के साथ ही लगता है, और भी सेक्शन है जिनके साथ लगता है लेकिन ज़्यादातर ये 302 और 307 के साथ ही लगता है। तो ये है कि भाई, और अगर आप इसमें बेल की सोच रहे हो, ठीक है, 120B अगर 302 के साथ लगा तो बेल तो भूल जाओ भाई, 307 के साथ लगा तो भी भूल जाओ भाई। ये छोटे मोटे सेक्शन हो, अगर मान लीजिए कि 323 के साथ लगा हुआ है, 147, 148, 323, 506 है उनके साथ 120B लगा हुआ है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सेक्शन समझ लो कि सेक्शन के साथ ये लगा तो वो बड़ी बात है। 120B 10 साल की सज़ा होती है भाई, तो वही है। कोशिश करो कि आप इनसे बचो। और रही बात कोर्ट का सेम प्रोसीजर है, आप और भी वीडियो में आप देख सकते हो, जैसे कि आईपीसी 302 और 307 में क्या प्रोसीजर रहेगा, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। तो यही था 120B। और अगर कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो भाई कमेंट करके बता दिया करो, मैं वीडियो बना दूंगा। और भाई एक फिर से एक बात कहूँगा कि बार बार फ़ोन करके दुखी मत किया करो, कभी कभी अगर कोई ज़रूरी है, अर्जेंट है तो ही फ़ोन किया करो, बेकार में फ़ोन मत किया करो। और करना भी है तो सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले, ना तो रात को करो ना सुबह सुबह जल्दी, जैसे कि 5-6 बजे मॉर्निंग में अगर आप करते हो तो मत किया करो भाई, समझ रहे हो। तो 10 बजे के बाद और 5 बजे से पहले, तो रिक्वेस्ट है ये मेरी। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।